गाइस वेलकम टू माय चैनल और आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का लड्डू और उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हम देख लेंगे। पहले ये मैंने लिया 2 कप बेसन, 1 कप तगार या भूरा जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे मैंने लिया देसी घी, इलायची का पाउडर और ये रहा रिफाइंड ऑयल। जैसे कि मैंने पैन को हीट होने के लिए रखा है और अब हम इस पर घी डाल देंगे। अब धीरे धीरे हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। जैसा कि हमारा बेसन भुनना स्टार्ट हो गया, इसमें से हल्की हल्की खुशबू आ रही है, तो हम इसे तब तक भूजेंगे जब तक इसे इसमें से घी रिड्यूस ना हो। तो हम इसमें से घी रिड्यूस कराने के लिए पहले इसको और इसमें से हमें लम्स छुड़ाते रहना है। गाइस इसको भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं और इसमें अभी घी तो छोड़ा नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे लिक्विड ही फॉर्म में आ रहा है। तो हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से घी रिड्यूस ना हो जाए। गाइस मेरा बेसन भूज गया है, लेकिन इसमें मैंने घी कम डाला है इसलिए अच्छे से इसमें से घी नहीं निकला, लेकिन बाकी ये पूरी तरीके से सेक चुका है। देखिए आप एक टोए की तरह भी दिख रहा है। और अब हम क्या करेंगे, अपने गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसके आगे का प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो गाइस मिक्सर हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा गर्म है, ठंडा पूरा तरीके से नहीं हुआ, थोड़ा सा गर्म है ये। तो अभी हम इसमें इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे। इसमें से थोड़ा सा इलायची निकाल लेते हैं, बाद में हम इसमें गार्निशिंग में यूज कर देंगे इसको। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, अब इसमें हम ये वाला भूरे का जो पाउडर है इसको हम अच्छे से ऐड कर देंगे। तो अब मेरा मिक्सचर ठंडा हो गया है, अभी थोड़ा सा ड्राई था तो मैंने इसमें घी मिलाया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए मेरा लड्डू एकदम बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब मेरा लड्डू बन चुका है, तब इसे एक एक करके प्लेट में रेडी कर लेंगे। गाइस यहाँ पे मैंने टोटल 2 कप बेसन से 23 लड्डू बनाए हैं और अब हम आपको दिखा देते हैं कि इस लड्डू को तोड़ के। तो देखिए गाइस ये काफ़ी ज़्यादा
सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी लड्डू है। तो इस दिवाली अपने फैमिली के लिए बनाइए कुछ खास, ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं अच्छी अच्छी रेसिपी और भी ला सकूँ।